ये घटना हुई है। अब बढ़ते हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां मतदान के लिए अब पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा और आयोग ने जारी की है इसकी एडवाइजरी। यहाँ पर दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं हिमाचल में, और साथ ही अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने इसकी एडवाइजरी जारी कर दी है कि मतदान के दौरान आपको पहचान पत्र दिखाना जो है वो जरूरी होगा, और जितने भी जो पहचान पत्र होंगे उसमें फोटो होनी आपकी जरूरी है, और साथ ही इसमें बैंक या डाकघरों से जारी जो फोटोयुक्त पासबुक होती है, साथ ही पैन कार्ड होता है या PNR के अंतर्गत जो RGI होती है उसमें स्मार्ट कार्ड्स होते हैं या फिर आपके जो जॉब कार्ड्स होते हैं, उसके साथ ही पेंशन के दस्तावेज होते हैं या कोई भी ऐसा कार्ड जिसमें आपकी फोटो होनी यहाँ पर अनिवार्य बताई गई है। और साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने साथ ही ये भी कहा है कि जो जितने भी लोग होंगे अगर वो ऐसा पहचान पत्र नहीं दिखाते हैं तो उनका जो मतदान होगा वो नहीं कर पाएंगे। साथ ही दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके दौरान जितने भी मतदाता हैं और जो मतदाता जो अधिकारी हैं वहाँ पर मतदान के लिए जितने भी नियुक्त किए गए हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो रैलियाँ भी लगातार कर रहे हैं जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, नामांकन यहाँ पर हो चुके हैं और उसके साथ ही नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया जो वो भी खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और अब 21 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव होंगे तो उसके लिए लगातार यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। और वहीं आपको बता दें कि कल रात को 10:30 बजे एक और जो बड़ी खबर है, 10:30 बजे शिमला में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और 3 जो तीव्रता है उसकी 3 मापी गई थी। और साथ ही आपको याद हो कुछ दिन पहले भी हिमाचल में यहाँ पर भूकंप आए थे जिसके साथ ही दिल्ली NCR में भी आया था और जम्मू में भी आया था वहीं, लेकिन इस बार जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 3 मापी गई है। शाम को 10:30 बजे की घटना है, 10:30 बजे यहाँ पर भूकंप आया और उसके साथ ही इसका जो केंद्र है वो शिमला ही बताया जा रहा है।